11 इतिहास चैप्टर नंबर 5 यायावर साम्राज्य का यह द्वितीय भाग जो शेष रह गया था। चंगेज खान के उपरांत मंगोल। चंगेज खान के मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार की पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, सन 1279 ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त किए गए। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। समस्त सामग्री के लिए हम एनसीईआरटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके आंकड़ों से ही परीक्षाओं के परिणाम निर्धारित होते हैं और उन्हीं को प्रामाणिक माना जाता है। विद्यार्थियों के हित में हमने यह समस्त सामग्री उनसे ली है। सन 1203 के बाद ये दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम भी पर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों की शुरुआती आवे को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिम यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रही, तथा उसके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी, जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगेदेई के उत्तराधिकार महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश को तोदुईद खान के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगेदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंके, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तुलुई का वंश था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तुलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तुलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि ने उनका पश्चिमी ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तुलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विरोध दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिसके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजह से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आईं। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि पीछा की तरफ से छोटी और अविवेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जाति संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइटो जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खान उन विभिन्न जनजाति समूहों को उसके महासंघ के सदस्य की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों तुमन की थी।
जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसमें स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके चार पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नौयाना कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वो समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा अर्थात सगा भाई कहकर सम्मानित किया। ऐसे अन्य और भी कई को आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकरी के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण से पूर्व में चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्तों से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने चार पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्यों को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र जगदाई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का ऊपरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे वह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया। चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगेदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तौलिये ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैनिक टुकड़ियां तामा निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद क्रीलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय अभियानों लूट के माल का बंटवारा चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यह देखिए आप दिखाया गया है मंगोल वंश को, हम चित्र दिखाएंगे तब तक। चंगेज खान ने पहले से एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखे थे, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े व घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोलिया आवार अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का दसवां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। इस उगाही को आवार लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति में और सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इसने महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी, तथा विचित्र लोगों को अपने नवीन यावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए। कृषि भूमि को हान भी व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्ति तथ्यों के जाल में खो गई है। सम्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का नाद का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तभी रूप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए थे।
मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप इसे देख लें, चंगेज का मंगोल वंश का एक यह वृक्ष। पहले चंगेज खान के संदर्भ में जान लें, उसके बाद वह जो जानकारी दी जाएगी इस वृक्ष से आप स्पष्ट होंगे। बहुचर्चित नहीं, बहुविवादित, क्षमा करेंगे यहाँ पर, चंगेज खान बहुविवाहित चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की जकाय बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी सुरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के ओगोदेई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तलवी परिवार के हाथों में आ गई, जिसके मौके और कुबलई के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए। तुलई भर के और आरिक मौके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। गणित नामी सूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया। अभी जो आपको देखिए आप यहाँ चंगेज और आगे देखिए आप शाखा देखें, आगोदेई, जगताई, जोची, फिर यहाँ से देखें आप देखें जोची, फिर बातु, है ना, ये बरखे की तस्वीर मौजूद नहीं है। यहाँ देखें आप ओगेदेई, गोमुख, और यहाँ देखें आप फिर तलुई, यहाँ आरिक वाके, हलाकू, कोबलाई, मोंगे। एक बार फिर से आप पूरी तस्वीर देख लें। देखें आप यह चंगेज खान का मंगोल वंश। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा चीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास जिन्हें फारसी नैजा और मंगोली भाषा में जेरेज जारी किए जाते थे, इस सुविधा के लिए व्यापारी पाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते हैं। ये देखिए आप चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य, ये जो देखें आप किस प्रकार से 1259 के पश्चात मंगोल अभियान और रेशम मार्ग की दिशा। तेरहवीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य के आयावरों और स्थानबद्ध समुदायों के विरुद्ध कम होते गए। जैसे 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए, उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान, मृत्यु 1294, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजट खान, मृत्यु 1304, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तुलई का वंश था, उसने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के द्वारा उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य
की स्थानबद्ध ध्वनिया चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। पशुचारकों और किसानों के स्वार्थों में संघर्ष का क्या कारण था? क्या चंगेज खान खानाबदोश कमांडरों को देने वाले भाषण में इस तरह की भावनाओं को शामिल करता? अब आप देखिए यहाँ पर गजन खान का भाषण। गजन खान 1295-1304, पहला इल्खानी शासक जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की आयावर सेनापतियों को यह भाषण दिया, जिसे संभवतः उसने ईरानी वजीर रसीदुद्दीन ने लिखा था, जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के किस वर्ग के पक्ष में नहीं हूं, यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे, उनकी फसलों को कुचल डालेंगे तो भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। गजन खान का यह भाषण है। चंगेज खान के शासनकाल से ही मंगोलों के विचित्र राज्यों से नागरिक प्रशासकों को यहाँ अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद की और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली खानाबदोशों की लूटमारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक कि ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर कर पाते थे, जैसे 1230 के दौरान चीनी मंत्री एलू तुलसाई ने ओगदेई को लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जोहैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में उसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रसीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसने उसके कृषक वर्ग को सताने के बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्र में अधिक था। उन क्षेत्रों में यायावर के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने के बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक उसमें उलू जिसका तात्पर्य क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने युआन और खल आनी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासियों में आयावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूहों में बढ़ जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। स्पष्ट यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा
टोलीद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इल्खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहासविद में महान खानों द्वारा की गई रक्तरंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दी गई। जैसे एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इल्खानी इतिहासविद में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इल्खानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते जैसे चंगेज खान ने की थी। डेविड आयलॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के किरीलताई में लागू की थी, उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता जो महान खान के स्थिति में बनाए रखने के लिए उनके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यशाक लिखा जाता था जिसका अर्थ है विधि, आज्ञाप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यशाक के बारे में मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोल के यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू किया। इसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसी विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाज पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा करना एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों में प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विध संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान के बाद अपने एक स्मृतकार के होने का दावा किया जिसकी प्रामाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों की समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उसके वंशजों ने मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया, फिर यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था जिससे विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। यास 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा, चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाच की घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा ने उसी उत्सव में
के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म पराजयता का विवरण अपने इतिहास में दिया और साथ में चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। निष्कर्षतः हम देखें, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला और ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और यूरोप, पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का एक कारण एकमात्र परिपिच की भिन्नता नहीं बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखते थे, समन बौद्ध ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैयक्तिक मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने आप शासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक था, जिनको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों जैसे कि भारत में मुगल शासकों की के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। मंगोलों और किसी भी आयावर शासक प्रणाली संपत्ति जिस तरह से प्रलेख है उससे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक प्रसंग बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण परिवर्तित हो गया तथा मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज यानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आदर्शकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया है जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। ये देखें आप, चित्र देखें आप। मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा, रसीद अल-दीन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र। कुबलई खान और चाबी शिविर में विद्यार्थियों के लिए अभ्यास के लिए प्रश्न आप देखें। ये सभी प्रश्नों को क्रमवार तरीके से जवाब लिखेंगे और इन प्रश्नों के साथ ही आप देखें जिन पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना है
मंगल और बेदुइन समाज की आवारी विशेषता को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आपके विचार में किस तरह इनके ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न थे। भिन्नताओं से जुड़े कारणों को समझाने के लिए क्या स्पष्टीकरण देंगे? 13वीं शताब्दी के मध्य मंगोलिया द्वारा निर्मित पैक्स मंगोलिका का यह विवरण उसके चरित्र को उजागर करता है। एक फ्रेंसिस्कन भिक्षु रुब्रुक निवासी विलियम को फ्रांस के सम्राट लुई नौवें ने राजदूत बनाकर महान खान मौके के दरबार में भेजा। वह 1254 में मौके की राजधानी काराकोरम पहुंचा और वहां वह लॉरेन फ्रांस की एक महिला पकेट के संपर्क में आया जिसे हंगरी से लाया गया था। यह महिला राजकुमार की पत्नियों में से एक पत्नी की सेवा में नियुक्त थी जो नेस्टोरियन ईसाई थी। वह दरबार में एक फारसी जौहरी गिवियोन गुसेर के संपर्क में आया जिसका भाई पेरिस के ग्रैंड पोंट में रहता था। इस व्यक्ति को सर्वप्रथम रानी सुरगतानी ने और उसके उपरांत मौके के छोटे भाई ने अपने पास नौकरी में रखा। विलियम ने यह देखा विशाल दरबारी उत्सव में सर्वप्रथम नेस्टोरियन पुजारियों को उनके चिन्हों के साथ तथा इसके उपरांत मुसलमान बौद्ध और ताओ पुजारियों को महान खान को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। और इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 5 यावा यायावर साम्राज्य पूर्ण होता है।